यासनपुर महादेव पीजी कॉलेज परिसर में छात्रों ने धूमधाम से मनाया युग दिवस। विद्यालय की ओर से छात्रों को बार व प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंगलवार को पूर्वांचल के गौरवमयी शिक्षण संस्थान यासनपुर त्रैगा स्थित महादेव पीजी कॉलेज के प्रांगण में सैकड़ों छात्र छात्राओं संग सैकड़ों बटालियन के सीजी कैडेटों ने भ्रमण प्राणायाम में हिस्सा लिया। इस दौरान कॉलेज की ओर से सभी को पार स्वरूप टी शर्ट के साथ प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस अवसर पर महादेव योग केंद्र के राष्ट्रीय पुरस्कार येता छात्र संघ विभिन्न टीमों ने कठिन योगासन का अद्भुत प्रदर्शन कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया, जहां पूरा परिसर में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कर्नल आशीष त्रिपाठी ने कहा कि प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में योग प्राणायाम का अद्भुत महत्व बताया गया है। भारतीय ऋषि मुनियों ने इसे समूचे गुणमंडल को वरदान स्वरूप दिया है। प्रधानमंत्री की पहल के बाद भारतीय योग पर समूचा विश्व लट्टू हो गया है। कॉलेज के प्रबंधक अजय सिंह ने योग के महत्व को विस्तार से बताते हुए कहा कि प्रतिदिन माह में 45 मिनट योग प्राणायाम के लिए समय अवश्य निकालें, तभी सबके निरोग काया का संकल्प भी पूरा होगा। वही कॉलेज परिवार की ओर से डॉक्टर लोकनाथ पांडे, प्यारीलाल यादव सहित कई अतिथियों का स्वागत स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आगे क्लियर रखिए, हेलो आगे क्लियर रखिए, लोग देखने के लिए आगे क्लियर रखिए, लोग आगे वाले बैठे ही रहेंगे तभी दिखाई देगा। इधर से आ जाए बच्चे, इधर से किनारे किनारे हाँ बैठ के देखो। थोड़ा बेटा आगे से करो और आगे हो जाओ, आगे कर दीजिए सर, थोड़ा आगे बढ़ो। सत्रह में है। Relax.
को लेते हुए हम अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नीचे की तरफ ले आएंगे। सुनते हैं आप लोग, अब हम साइड टू साइड अपनी गर्दन को सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ले जाएंगे, फिर सांस को लेते हुए शिथिल अवस्था में आएंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए राइट साइड ले जाएंगे दाहिनी तरफ, फिर सांस को छोड़ते हुए शिथिल अवस्था में जाएंगे। ये प्रक्रिया आपकी 5 से 10 टाइम होगी।